Yes, hello everyone. Again, we start our the rational numbers chapter of 9th class. In rational numbers chapter, we have understand irrational number. यानी आज हम irrational numbers कल हमने irrational numbers को number line पर represent करना सीखा था. आज हम irrational numbers जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं शांत और अशांत दशमलव, यानी शांत और अशांत दशमलव जो आपके अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर है, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हम सीखेंगे. इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं. एक मेथड जो यूज होता है कि मान लो अगर आपका जो हर की संख्या है, अगर हर की संख्या दो के या पांच के गुणक के फॉर्म में है, तो हम उसे क्या करेंगे कि उसके हर की संख्या को या तो 10 के या 100 के, यानी 10 के, 100 के या 1000 के फॉर्म में उसे हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे. चेंज करने के बाद हम जो हमने प्रीवियस क्लासेस में यूज किया था, छोटी क्लासेस में, कि हम उसको दशमलव की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं. या अगर आपको सीधा हर की संख्या 10 के रूप में या 100 के रूप में दे रखा है, तो आप उसे सीधा ही शो कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि जितने भी शांत दशमलव होते हैं, ये शांत दशमलव क्या होते हैं कि पूरी तरह से विभाजित होते हैं. यानी जब आप इनको दशमलव की फॉर्म में ज्ञात करेंगे, दशमलव की फॉर्म में जब इनको फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखेंगे कि दशमलव का जो एक्सपेंशन है, जो आगे बढ़ता क्रम है, वो नहीं आएगा. यानी एक लिमिट के बाद में क्या होता है कि आपका जो दशमलव है, वो दशमलव क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा. ये आपका कहलाता है शांत दशमलव. और अशांत दशमलव जो होते हैं वो दो तरह के. पहला जो होता है वो आपका कहलाता है कि आवर्ती, यानी जिसमें कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार आना शुरू हो जाती है, वो आपकी कहलाती है कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो आवर्ती फॉर्म में होगी और अशांत फॉर्म में होगी. दूसरी जो फॉर्म होती है अपरिमेय संख्या, वो अशांत फॉर्म में जो होगी वो आपकी होगी अनआवर्ती फॉर्म में. यानी दशमलव के बाद में कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है. अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने 36/100, यानी 36/100, यानी 36 में भाग लगाना है 100 का. आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, 36 को 100 से भाजित भी कर सकते हैं, या हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. शॉर्ट फॉर्म हमने छोटी क्लास में सीखा था कि नीचे जो आपकी हर की संख्या है, अगर उस हर की संख्या में अगर आपका जीरो गिवन है, तो जितने जीरो आपके हर की संख्या में होगी, उतना ही हम क्या करेंगे, दशमलव प्रसारित करेंगे. और दशमलव आपका प्रसारित होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर. यानी हम सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करेंगे और उल्टे हाथ की तरफ हम उसका दशमलव एक्सपेंशन करेंगे, प्रसारित करेंगे. जैसे अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना चाहें, तो 36 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 में आपके पास में दो जीरो की भी नहीं, इसका मतलब आपको दो प्लेस क्या लगाना है, दशमलव लगाना है. सबसे पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ऊपर जो गिवन नंबर है आप उसको लिखेंगे वैसा का वैसा. तो आपको ऊपर का नंबर है 36, आपको वैसा का वैसा लिखना है. अब 36 में 36 में आपको दशमलव लगाना है. अब यहां हर में दो जीरो गिवन है, इसका मतलब आपको दो के बाद में दशमलव लगाना है. अब दो के बाद में जो आपका दशमलव शुरू होगा वो आपके राइट साइड से शुरू होगा. राइट साइड से आपको संख्या को गिनना है और दो प्लेस गिनना है. तो यहाँ 6 पहले स्थान पर है, फिर 3 दूसरे स्थान पर है, तो आपके पास दो स्थान गिवन है, तो हम यहाँ 3 के आगे दशमलव को यूज कर देंगे. ये पहला आपका दशमलव प्रसारित हो जाएगा. अब दशमलव से आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो मैथमेटिकल ये रूल कहता है कि जब भी आपका दशमलव से पहले कोई भी नंबर नहीं हो, तो आप अपनी तरफ से वहां जीरो को यूज करेंगे. इसका मतलब 36 को अगर हम 100 से भाजित करें, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36. अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें, तो दूसरे तरीके से करने के लिए आपको क्या करना है, 100 का भाग लगाना है किसमें, 36 में. अब यहाँ 36 छोटा है किससे, 100 से. जब भी भाग वाली संख्या आगे भाज्य वाली संख्या से छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि उस समय भाग तोड़ देते हैं. तो भाग टूटेगा तो यहाँ लगेगी 0. अब यहाँ आगे कोई भी संख्या नहीं है,
जब भी आगे कोई संख्या नहीं होगी तो आप यहाँ अपनी तरफ से लगाएंगे दशमलव। जब भी दशमलव लगाएगा आपको जीरोस लगाने। अब एक दशमलव लगाया तो आपका जो है वो जीरो यहाँ लग जाएगा तो आपका आ जाएगा 360। 360 को हम 100 से भाजित करेंगे तो वो भाजित होगा 3 बार। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 300। माइनस करेंगे 360 में से 300 को, आपका बचेगा 60। अब दशमलव जब आप ऊपर लगा चुके हैं, अब जितनी बार आप आगे भाजित करते जाएंगे आप अपनी तरफ से एक एक जीरो लगाते जाएंगे। 60 के बाद में हमने एक जीरो और लगा दिया तो आपका हो गया 600। अब 600 में भाग लगाना 100 का, तो भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो ये आपका भाग यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आंसर है वापस कितना आ जाएगा, 0.36। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्या को प्रसारित कर सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद में दो ही संख्या है, आगे आपकी संख्या नहीं है, आपका भाग भी क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये आपका कहलाता है शांत दशमलव। उसके बाद अशांत दशमलव आता है। अशांत दशमलव में आपको क्या करना है कि जब भी हम हर की संख्या से अंश की संख्या को भाजित करेंगे और तो भाग आपका लगातार चलता चला जाएगा। मान लो मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ आपके पास में 3/7, यानी 7 का भाग लगाना है 3 में। आप इसको अलग से यूज करेंगे, 7 को बाहर लिखना है, 3 को अंदर लिखना है। अब 3 7 से भाजित नहीं होगा तो भाग आप यहाँ लगाएंगे 0। 0 लगाने के बाद में अब आप यहाँ अपनी तरफ से दशमलव लगाएंगे, यहाँ आपका आएगा 0। तो 30 में आप 7 का भाग लगाएंगे, आपका भाग जाएगा 4 बार, 7 × 28 आपके पास बचेगा 2। फिर एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 20। 20 को 7 से भाग लगाएंगे 2 बार, 7 × 2 होगा 14। फिर अब रिमाइंडर बचेगा आपका 6, यानी शेषफल बचेगा 6। फिर आप एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 60 को भाजित करेंगे आप 7 से, तो ये जाएगा 8 बार, 7/8 आपका हो जाएगा 56, पीछे बचेगा 4। फिर हम अपनी तरफ से यहाँ 0 लगाएंगे, अब आपका जो भाग है, अब 40 में आपको भाग लगाना है किसका, 7 का। तो 40 में जब आपका 7 का भाग लगाएंगे तो वो आपका जाएगा कितनी बार, 5 बार। यहाँ लगाएंगे 5 × 7 = 35, 40 में से 35 घटाएंगे 5 बचेगा। फिर एक अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 50 में भाग लगाएंगे 7 का, 7 × 7 = 49। फिर आपके पास बचेगा 1, फिर हम अपने तरफ से लगाएंगे 0, 10 हो जाएगा। अब 10 में 7 का भाग लगेगा 1 बार, 7 × 1 = 7, 10 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 3। अब देखो यहाँ आपका शेषफल 3 आ गया। हमने भी भाग किस में लगाना शुरू किया था, 3 का लगाना शुरू किया था। इसका मतलब अब जो संख्या आपकी आएगी वो वापिस क्या आ जाएगी, आवर्ती आ जाएगी। यानी अगर हम 3 के बाद यहाँ 0 लगा दें तो आपका 30 हो जाएगा, 30 में भाग लगाएंगे 7 का, कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार, 7 × 28। यहाँ भी आपका दशमलव के बाद 4 आया था, यहाँ भी आपका एक नंबर वापिस क्या आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब अब आपकी वापिस संख्या क्या हो जाएगी, आवर्ती होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी संख्याएं आवर्ती होती है तो आप उसके ऊपर एक लाइन छोड़ते हैं जिसको हम बार कहते हैं। तो 0.42857। अब 7 के बाद में वापिस 4 आ गया, यहाँ भी 4 से शुरू हुआ था। इसका मतलब अब आपकी ये संख्या जो हो जाएगी वो आवर्ती संख्या हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ 5 संख्याओं के बाद में जो अगली संख्या है वो वापिस क्या आनी शुरू हो जाती है, आवर्ती संख्या के रूप में आना शुरू हो जाती है। तो ये आपका कहलाता है अशांत संख्या आवर्ती के रूप में। अब कई ऐसी संख्याएं भी होती हैं कि अगर हम उस संख्या में भाग लगाएं किसी संख्या का, जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 22, 22 में अगर हम भाग लगाएं 7 का, तो जब आप 22 में 7 का भाग लगाते हैं तो आपको पता है कि 22 / 7 होता है वो आपकी एक वैल्यू होती है मैथ्स में, जिसको हम पाई कहते हैं, यानी पाई का मान होता है 22/7। पाई को हम इस तरह से यूज करेंगे 22/7, यानी आप 22 में आपको भाग लगाना है 7 का और चेक करना है कि आपकी जो संख्या है वो जो संख्या है वो आपकी किस फॉर्म में आती है। तो आप 7 का भाग शुरू करेंगे 22 में, 22 में लगाएंगे तो पहले 22 में 7 का भाग 3 बार, 7 × 21 एक बचेगा। फिर हम यहाँ पॉइंट यूज करेंगे, फिर यहाँ 0 लगेगा, 10 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, 7 × 7 = 7, 3 बचेंगे 0। फिर 30 हो जाएगा, 30 में भाग जाएगा 7 का 4 बार, 7 × 28 = 28, पीछे बचेगा 2। फिर 0 लगाएंगे, 20 में भाग जाएगा 7 का 2 बार, 7 × 2 = 14,
फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 60 में भाग जाएगा 8 बार, तो 7 8 हो जाएगा 56, फिर बचेगा 4, फिर 0, फिर आपका भाग जाएगा 5 बार, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0, 50 हो गया, फिर भाग जाएगा आपका 7 बार, 7 7 49, 1 बचेगा, फिर 0 लगेगी, फिर 7 1 7, फिर आपका बचेगा 3, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर आपका जाएगा 7 6 28, फिर आपके पास बचेगा 2, फिर 0 लग जाएगी, फिर आपका हो जाएगा 7 2 14, फिर आपका बचेगा 6। तो देखें इस तरह के बाद में दशमलव के बाद में जो संख्या है वो आपकी क्या आनी शुरू हो गई, 1 4 2 उसके बाद आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये 22/7 है इसकी वैल्यू आती है 3.142857 इस तरह से। तो ये आपका भाग कभी रुकता नहीं है, तो ये आपकी कहलाती है अशांत आवर्ती संख्याएं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। वो संख्या आपकी आवर्ती होगी या नहीं होगी तो आप भाग लगा करके देखेंगे, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो इसका मतलब आपकी शांत दशमलव संख्या है, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो आपकी अशांत दशमलव संख्या कहलाएगी। दशमलव के बाद में अगर कई संख्याएं बार बार आती हैं तो वो आपका कहलाता है अशांत आवर्ती संख्या, और अगर दशमलव के बाद में बार बार संख्या नहीं आती है, हर बार संख्या या संख्या आपकी लगातार अलग अलग आती रहती है, तो आपकी कहलाती है अशांत अनावर्ती संख्या। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आपका अपरिमेय संख्याओं को शांत और अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त करना होता है।